प्रलोभन दे करके 33 करोड़ रुपए 20-20 करोड़ रुपए दे करके और दूसरे दल में चले गए, यानी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। आज के युग में वोट पैसे पे हो रहा है, इतनी शिक्षा दीक्षा होती तो वोट पैसे पे बिकती। कुछ समय बाद हमको लगता है इसी प्रकार की रवैया रहेगी तो चुनाव हो नहीं करेगा, राष्ट्रव्यापी चुनाव नहीं हो रहा, राष्ट्र हित के लिए नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, वो तो लीपा पोता कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री की बने राजन मिश्रा 10 साल से है, वो अपना सुधार कर ले भगवान के दिया, देश का क्या सुधार करेंगे राष्ट्र। कैसे जानते हैं आप खबरदार को? खबरदार चैनल को मैं इसलिए जानता हूँ, जो भी उनका न्यूज आई है हमारे सामने है। उनका जो सर्वे हुआ है खबरदार चैनल से चारों तरफ से, वो बड़ा सराहनीय है। और गांव गांव जा करके अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। सड़क के विषय में खबरदार चैनल बार बार बोलती रही, स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में खबरदार चैनल के विषय में हम जानते हैं, जंगल पहाड़ नदी नाले के विषय में जानते हैं कि जहाँ भी जैसी सुरक्षा हो खबरदार चैनल के माध्यम से। हमारे यहाँ रामलखन पत्रकार के माध्यम से बहुत सारी जानकारी खबरदार चैनल को हुई थी, ये भी मैं जानता हूँ। और ये मैं कहता हूँ कि भगवान चाहे खबरदार चैनल इसी तरीके से चलता रहे, आगे बढ़े, आग प्रगति पर रहे और क्षेत्र और देश की रक्षा के लिए अपना काम करता रहे। बहुत 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 बधाई देता हूँ इस चैनल को। लोगों में भ्रामात्मक प्रचार, गलत प्रचार, उछल कूद, तोड़ मरोड़, इस तरीके की राजनीति हो गई है। जहाँ जिसका स्वार्थ होता है अच्छा। वहाँ वो कूद के चला जाता है। पिछले इलेक्शन में मैं आपको उदाहरण दूँ तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी यहाँ, अच्छा ठीक, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, थोड़े ही समय में कांग्रेस के ही लोगों ने कुछ विधायकों को प्रलोभन देकर 33 करोड़ रुपए 20-20 करोड़ रुपए दे करके और दूसरे दल में चले गए, यानी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई, चुनाव नहीं हुआ। इस प्रकार की राजनीति अब चल रही, तो इसलिए लोगों का चुनाव से बहुत मोह भंग होता है। अच्छा, अब वोट देना एक कर्तव्य है, लोग वोट देने जाते हैं। आज के युग में वोट पैसे पे हो रहा है। अच्छा, पैसा दो वोट। तो जैसे एक और प्रथा भी चली आ रही है पैसे के साथ में, मैंने देखा है सामाजिक बुराई भी चुनाव लेके आ रहा है हमारे सामने। क्योंकि जो युवा हैं और खासकर जो युवा नहीं भी हैं वो भी आज के समय में देखा जाए तो जब चुनाव होते हैं सरपंच के चुनाव से लेकर अभी जो चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है वहाँ तक, दारू फ्री में बंटती है, मुर्गा मछली, मतलब कुल मिला के जो भी इस क्षेत्र में सामाजिक तौर पर ना स्वीकार की जाने वाली चीज़ें हैं वो सब दी जाती हैं, आसपास के ही बच्चों को दी जाती हैं। कौन बांटते हैं चुनाव? जो लड़ रहे हैं वही बांटते होंगे, चुनाव जो लड़ते हैं वही बांटते हैं, अपने मीडिया से बांटवाते हैं। तो ये तो मतलब वोटर्स को ये चीज़ तो पता होगी ना कि मेरे बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों नहीं होता? विरोध का उनको मिल रहा है फ्री, मतलब फ्री में जहर मिलेगा खा लेंगे, मिले जहाँ खाओ, उनसे उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके बच्चों का संस्कार क्या रहा, उनसे उनसे क्या लेना देना। इतनी शिक्षा दीक्षा होती तो वोट पैसे में बिकती, इतनी शिक्षा दीक्षा होती तो आज 5 किलो गल्ला में चुनाव होता, चाहे कोई भी पार्टी हो, 5 किलो फ्री में गल्ला देना, फ्री में गैस देना, फ्री में सिलेंडर देना, फ्री में बिजली देना, फ्री में सब बांट देना, ये वोट की परंपरा है। पहले लोग कहा करते थे कि मताधिकार को बेचना अधर्म है, पाप है, महापाप है, कन्यादान, कन्यादान में जो है लेन देन महापाप है, स्वेच्छा से आप जितना हो देव ले। वैसे कन्यादान का उसमें भी देखते नहीं, ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो अपने धर्म पे चल रहे हैं अपने। ऐसे चुनाव में आ गया, चुनाव में तो इतनी बड़ी वो हो गई, चुनाव से रुचि खत्म हो गई है। अच्छा, कुछ समय बाद हमको लगता है इसी प्रकार की रवैया रहेगी तो चुनाव हो नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि संविधान बदल देंगे और जो एक बार प्रधानमंत्री हो जाएगा वो बना रहेगा। ऐसा देश होकर ऐसा हो सकता है क्या हमारे देश में? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, फिर आज जो चुनाव हो भी रहे हैं उस चुनाव में किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिख रहा है, राष्ट्रव्यापी चुनाव नहीं हो रहा है, राष्ट्र हित के लिए नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, हमारा कितना नाम चल जाए, हम कितने बड़े हीरो बन जाए, चुनाव ये हो रहा। अच्छा, और पहले समय में राष्ट्र हित का चुनाव हुआ करता था, चाहे 1900 चाहे 2000। अब राष्ट्र प्रेमी लोग नहीं रह गए हैं। अब केवल ये है कि संविधान के अनुसार चुनाव का अधिकार है तो चुनाव कराया जा रहा है समय पे, जीतने के जो हमारे पास जितने भी खड़े हैं सब प्रयास लगा। तो चुनाव लड़ रहे नेताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? आप इतने अनुभवी हैं, खुद भी सरपंच रह चुके हैं,
आप इतना कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत ईमानदारी से परिपूर्ण रहा होगा। तो क्या संदेश देंगे नेताओं को जो आज के समय में चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए यदि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप चुनाव लड़ो, और चुनाव में हार जीत सबकी होती है। ये नहीं है कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव जो लड़ता है वो हार जीत की तरफ ध्यान नहीं देता, वो ताश का पत्ता है, समझ गए ना। लेकिन राष्ट्र हित के लिए, देश के हित के लिए, गांव के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? जब जनता जानती है कि कोई नेता है जो राष्ट्र हित के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है तो जनता उसको वोट ही क्यों देती है? जनता ये देती है, जान ले यहाँ की जनता, तो फिर वो तो पासा पलट, नहीं जान नहीं है। अभी कहीं शिक्षावाद जनता है ही नहीं है। तो क्या जब जनता को 2000 रुपए मिलते हैं किसी नेता के द्वारा, फ्री में दारू मिलती है, मुर्गा मिलता है, या जो भी फ्री में मिलता हो, किसी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र नहीं है, उसको मिल गया जुगाड़ से, राशन कार्ड में लोग नाम जुड़वाने के लिए मंत्री तक से सिफारिश करवा रहे हैं, मंत्री करते भी हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को कि वो राशन कार्ड के लिए सिफारिश करते हैं। तो जब जनता ही भ्रष्ट है तो नेता क्या करे? अगर कोई बिक रहा है तो खरीदार तो मिल जाएंगे। अब हम समय के अनुसार बात कर रहे हैं, आप कहे किसी को भ्रष्ट कहें, हम लोग जनता को भ्रष्ट कहेंगे ना, शासन को भ्रष्ट सब कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि समय अनुसार नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। सोच समझ के काम नहीं कर रहे हैं ना जनता ना नेता। थोड़ी सी सोच आ जाए तो फिर ये दिन देखने को ना मिलेगा कि नहीं ये बहुत बड़ा महाबली आ गया है। महाबली को हमने महाभारत में भी नहीं देखा, 5 पांडवों और 100 कौरवों को हराया है। तो आपके क्षेत्र में जैसे देखा जाए तो क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए? हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छा ये चाहिए। हाँ ये चाहिए चाहिए, लेकिन इस पे विचार लोगों का नहीं है। अच्छा, सड़कें तो बनी है काफी, सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से, गांव में भी कुछ सड़क बनी है, लेकिन वो सड़क दिखावा कितनी बनी है वो सब भ्रष्ट हो जाती है, साल दो साल बाद वो फर्क के बराबर, एक साल भी नहीं चलता है, सवाल ही नहीं, वो तो लीपा पोता कर दिया जाता है। सड़क प्रधानमंत्री की बनी है लेकिन उस साल दो साल बाद चलने योग्य नहीं होती। अब आपको मालूम ही है, आप भी इसी क्षेत्र के हैं, देखते हैं स्वागी बड़ा गाँव को रोड के देख लीजिए, चलने लायक नहीं। हाँ, हमने देखा है क्या क्वालिटी थी, बहुत वही बात है, और सबने देखा होगा कि क्या क्वालिटी थी। जो जांच करने वाले थे वो भी उस रास्ते पे गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया इसी प्रकार का जानबूझ के। तो जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, बिजली की भी स्थिति ठीक हुई है पहले की अपेक्षा। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में तो बिजली ऐसी थी कि हम लोग पढ़ नहीं पाते थे ढंग से। तो अभी शिक्षा पे अगर बात की जाए तो शिक्षा का क्या हाल है इधर? शिक्षा में शिक्षा का स्तर नहीं अच्छा है, यहाँ शिक्षा में गिरावट है, शिक्षा प्रणाली ही गलत है, सेमेस्टर सिस्टम की शिक्षा है जो कभी आदमी जानते नहीं था। सबसे बड़ी बात है मानी छोटे छोटे बच्चों को एक एक कुंटल का मानी बोझ दिया जाता है पढ़ाई में, इतना उनको वो कर दिया जाता है डैमेज की प्राइवेट स्कूलें, सरकारी स्कूलों में अब थोड़ा बहुत ध्यान देने का तरीका सोच रहे हैं। अच्छा, ये प्राइज स्कूल है तो ये सीएम राइज स्कूल है, ये मॉडल स्कूल है, है इस तरीके से कुछ स्कूलों में। तो जैसे अभी त्योथर तहसील में जो सीएम राइज स्कूल बन रही है, पहले भी एक स्कूल थी, पुरानी स्कूल, काफी बड़ा प्रांगण था। तो कुछ उम्मीद है कि उस स्कूल से इस क्षेत्र के छात्रों को और अभिभावकों को फायदा होगा? अब वो तो चलने के बाद पता चलेगा। तो बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग तो कतई को बिल्डिंग देख चुके हैं। अच्छा, बिल्डिंग में भी मैंने सुना कि काफी अनियमितताएं हैं, बहुत खराब क्वालिटी है, हमने देखा है जाकर के, पूरा जो है वो वहाँ का स्पेस था जहाँ कभी एक अच्छी जगह हुआ करती थी, हेलीकॉप्टर करते थे, चुनावी सभाएं होती थी, अब उसको पूरा छोटा सा कर दिया गया है, उसी में यही मैंने कौन सी स्कूल जाती है सीएम राय स्कूल का वो बना दिया गया है। अब स्कूल बने, अब बन करके तैयार हो, फिर उसमें पढ़ाई शिक्षा हो तो आदमी कुछ समझ में आए। तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें हो रही है, पहले की है, हाँ सेकेंडरी, अब उसमें कुछ दम है? उसमें दम तो नहीं है, सुधार है। अच्छा, दम नहीं है, सुधार है, सुधार। कई गांवों की स्कूलें जो छोटी छोटी 8वीं तक पहले हुआ करती थी, 10वीं तक हुआ करती थी, अपने क्षेत्र में आप कहीं भी त्योथर में देख लें, जैसे बड़ा गांव की स्कूल हो गई, जर्जर है अभी, इनमें कहीं सुधार नहीं।
तो उन क्षेत्रों में ऐसा कोई सुधार नहीं है। तो किसी नेता मथाने का ध्यान नहीं जा रहा, शिक्षा स्वास्थ्य जो चीज तो बहुत बुरे स्तर पे जा रही है। स्वास्थ्य में भी कहीं नहीं है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ बताइए 30 अस्पताल है करेक्ट। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, जनार्दन मिश्रा जी अगर सांसद फिर से बनते हैं तो आप क्या चाहते हैं, वो किन चीजों में सुधार करें? वो कुछ नहीं सुधार करेंगे। अच्छा। जनार्दन मिश्रा 10 साल से हैं, वो अपना सुधार कर ले भगवान की दया से, देश का क्या सुधार करेंगे राष्ट्र। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि कभी उन्होंने कोई सुधार की बात, त्योहार पे तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं 10 साल से। आते तो हैं हर 10 दिन में त्योहार, आता आना अलग बात है। उनके पास सब साधन है, उनको खूब पैसा मिल रहा है, तो कहीं भी जा सकते हैं, रोज जाएं। लेकिन घूमना है और सड़क से चला जाना वापस चला जाना ये सांसद का काम नहीं है। सांसद का काम यह है हर ग्राम पंचायत में एक मीटिंग ले, 10 ग्राम पंचायत को बना के एक ग्राम पंचायत बना ले कि भाई आज हम मजगमा मीटिंग करेंगे, लोग आ जाए वहाँ अपनी समस्या हम लोग रखे वो दे। ऐसा कभी उन्होंने कुछ किया? तो जैसे एक समय में मोदी जी ने मतलब आग्रह किया था अपने सांसदों से कि एक एक गांव आप लोग गोद लो और उसको डेवलप करो, तो जनार्दन मिश्रा जी क्या किसी गांव को गोद लेके डेवलप किया उन्होंने? गोद लेने की तो खबर आई थी कि किसी गांव को उन्होंने गोद लिया है। अरे कुछ नहीं है, हमारे समझ में तो वही लिए होंगे वो जाने पे, हम लोग तो नहीं जानते कि भाई कौन गोद लिया, कहां उन्होंने उस गांव को विकास की ओर ले गए। आज भी जो भी गांव है आज भी आईटीटी पड़े हैं, चाहे ग्राम पंचायत स्तर के हो, चाहे जिला पंचायत स्तर के हो, चाहे वीडियो ग्राम पंचायत के, कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे इस चुनाव में, कांग्रेस क्या कर रही है? कुल मिलाकर के ये बात कहेंगे चुनाव में कि चुनाव में जो परिस्थितियां बदलती है बदलाव की, ये होना चाहिए। अच्छा, काम जब ये 5 साल का चुनाव होता है, 5 साल में सरकार को बदलनी चाहिए। अच्छा, ताकि उनको ये पता चले कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमको लोग बदल देंगे। और ये जो है हिजलाशाही हो जाती है जब हम लोग उसी को बार बार, जैसे एक विधायक को चुनाव हार गया फिर दोबारा उसी को हम टिकट दे दी, तो उसका कोई महत्व तो नहीं है, उसको पता है कि हमको टिकट हम ही तो देंगे, अगला कोई जन्म ही नहीं लिया इस क्षेत्र में, तो वो फिर हिजलाशाही हो जाता है। एक छत्र राज्य तो वही पिछले, ये बताइए पिछले 20-25 सालों में कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से हारती आई है, क्या वजह है? वजह यही है कि वो जो है कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेटों का चयन नहीं करती कांग्रेस। अब वो आज भी है, इसीलिए उसका पतन का कारण होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लोकसभा चुनाव में हम अपने दर्शकों को चुनावी यात्रा के दौरान आप जैसे लोगों से मिलवाते हैं और आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, आपने अपना अनुभव साझा किया जो वर्षों का अनुभव है और कड़ी तपस्या से प्राप्त हुआ है, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद है आपको भी।